वेलकम शहरी। शहरी जो है हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बच्चों से, ख्वातीन से, मर्दों से, जो भी कोई फन करना चाहता है उस हवाले से ये इंटरटेन करेंगे। तो शहरी को सबसे पहले तो मैं इनकी उम्र से ये वापस आए हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ। शहरी, बहुत 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 शुक्रिया बिलाल भाई, और जितने भी लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं मेट्रो वन देखने वाले हैं, उन सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। और ये सब उन लोगों की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने मुझे उम्र की सादत हासिल। तो अब मैं ये माइक इनके हवाले करता हूँ और ये बाकी का प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि ये क्या आपको यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। जी शहरी, थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम एग्जीबिशन में रूम नंबर 5 से हम आपके साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। 3 रोज़ा ये एग्जीबिशन है। आज इसका फर्स्ट डे है, कल सेकंड डे है और मंडे को थर्ड डे होगा। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मेट्रो वन हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि कराची में जितने भी लोग हैं मोहब्बत करने वाले लोग, कराची से बाहर जितने भी लोग हैं मेट्रो वन से जो मोहब्बत करते हैं, वो जानते हैं कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मेट्रो वन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेट्रो वन आप सबको उन हालात में भी इंटरटेन करे। तो इस वक्त मैं रूम नंबर 5 एक्सपो सेंटर से मौजूद हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ बच्चे, आपको पता है जहाँ मैं मौजूद होता हूँ वहाँ पर बच्चे भी बहुत सारे मौजूद होते हैं, और बच्चों ने मुझे घेर लिया है, और ये बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इस वक्त जो मेट्रो वन देख रहे हैं उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि 3 रोज़ा ये एग्जीबिशन ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत ये एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। 3 दिन मैं यहाँ पर मौजूद होऊंगा, बहुत अल्लाह गुल्ला होगा, मौज मस्ती होगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर यहाँ पर एक्सपो सेंटर में आएँ, और रूम नंबर 5 जो है, हॉल नंबर 5 जो है, वहाँ पर मेट्रो वन का जो स्टॉल है यहाँ पर हम मौजूद हैं आप सबके लिए। तो बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चे जो है यहाँ पर इस एग्जीबिशन में किस तरह एंजॉय करें, क्योंकि बच्चे हर जगह एंजॉय करते हैं और यहाँ पर भी एंजॉय करें। आपका नाम? आपका? अच्छा, ये जो जितने भी बच्चे हैं आप सब मुझे बताओ कि एग्जीबिशन में मजा आ रहा है? यस यस। कोई चीज खरीदी आपने? यस। सिर्फ घूम फिर रहे हो? यस यस। आपने कुछ खरीदा? आपने आपने क्या खरीदा? अच्छा, बच्चे जो होते हैं, बच्चों से पोएम सुनने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि बच्चों को पोएम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब मैं बच्चों से, एक कौन बच्चा मुझे पोएम सुनाएगा? हाथ उठाए। पोएम अच्छी सी आप सुनाएंगे, चले सुनाएं। जोर से जोर से जोर से जोर से अच्छा, 2 का टेबल कौन सुनाएगा? 2 का टेबल, 2 का टेबल आप सुनाए, आप सुनाए। 2 1 जा, 2 2 टू जा, 4 2 3 जा, 6 2 4 जा, 8 2 5 जा, 10 2 6 जा, 12 2 7 जा, 14 2 8 जा, 16 2 9 जा, 18 2 10 जा, 20। जबरदस्त, तालियां, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। अच्छा, कौन बच्चा आप में से जहीन है? जहीन कौन है? जहीन इंटेलिजेंट कौन है? आप हो? कौन है आप हो? जहीन क्या? जहीन हो आप? कौन है जहीन? आप जहीन हो? इधर आओ, जहीन हो। मना कर रहे हैं भाई, खुद ही मना कर रहे हैं, जहीन नहीं है। आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। आप जहीन हो? यस। नहीं हो? ABCD सुनाओ तो मुझे, तेज, बगैर, नॉन स्टॉप। सही है, ABCDEFG Z तक। ABCDEFGHIJK ऐसे नहीं, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ जबरदस्त, इन्होंने सही सुनाई है। आप सुनाओ, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 से बराह रास्त मौजूद हैं आपके साथ, और यहाँ पर ऑल पाकिस्तान फेडरेशन जो है मेमन फेडरेशन के तहत यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, और काफी रश नजर आ रहा है बच्चों का, और काफी, ये देखें बच्चे जो है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा जी, आप कौन सुनाएगा? आप इधर आए, आप इधर आए। आपको पोएम आती है? इधर आए, पोएम आती है आपको? सुनाए पोएम। ट्विंकल 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 सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अप आर दिस वाज टू हाई, हाई का डायमंड इन द स्काई। जबरदस्त, ताली बजाओ, जबरदस्त। अच्छा, कौन सा बच्चा स्कूल डेली आता है, छुट्टी नहीं करता? सब डेली आते हैं यार। नहीं 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 नहीं, सब डेली आते हैं। आप भी डेली आती हैं? पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, आप डेली आती हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बैक बैक, पीछे हो जाएं थोड़ा सा, आप पीछे हैं।
व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेट्रो वन की लाइव ट्रांसमिशन, और इस लाइव ट्रांसमिशन में हम इस वक्त एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 से लाइव हैं आपके साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है, और आज पहला दिन है इसका, कल सेकंड डे, परसों मंडे को थर्ड डे होगा, आखिरी दिन होगा, लेकिन हम तीनों दिन आपके साथ लाइव होंगे यहाँ पर। मैं मौजूद होंगे, हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो मौजूद होंगे, बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। तो आप लोग जितने भी लोग इस वक्त मेट्रो वन देख रहे हैं उनसे ये मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब छोड़ें टेंशन वेंशन, सब छोड़ें, थोड़ा सा यहाँ आएँ हॉल नंबर 5 में मेट्रो वन के स्टॉल पर, तो आपको लगे आप फैमिली के साथ आएँ और आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, थोड़ी सी जो आपको टेंशन हो गई है हालात की वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये बच्चे जो हैं पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, आप पीछे हो, पीछे हो जाएं, पीछे, जी जी जी, मैं सुनता हूँ, अभी सुनता हूँ जी। एग्जीबिशन कैसी लगी आपको ये ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन? इट्स वेरी नाइस टू हियर, ये बहुत ही अच्छा एक इवेंट है, ये हम कराची के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आएँ और इस इवेंट को अवेल करें, और ये होना चाहिए, इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन को कि उन्होंने के यहाँ पर ये इवेंट मुनक्कद किया, हमारी तरफ से कांग्रेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेमन फेडरेशन, ये जो एग्जीबिशन लगे इन हालात में भी मेट्रो वन का स्टॉल है, हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहूँगा कि मेट्रो वन जो कराची का एक प्रोमिनेंट चैनल है कराची में, और सब लोग देखते हैं इसको, खुश होते हैं, और उसमें देख के यानी कि एक कराची के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पे, और इसने ये काविश की है कराची को, इसने इसकी एक काविश है कराची में मेट्रो वैन की, के कराची को में उसने एक उजागर किया है कि कराची में एक तो जैसे मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने अपना ऑन कराची किया था, इसी तरीके से मेट्रो वैन के ने चैनल ने ये एक काविश की कि कराची के लोगों को उजागर किया और इस एग्जीबिशन में आकर सबको मेट्रो वन के लिए बहुत सारी तालियां। व्यूअर्स, यहां पर लोग तारीफ कर रहे हैं मेट्रो वन की, क्योंकि मेट्रो वन वो वाइट चैनल है जो आपको एंटरटेन करता है किसी भी हालात में, किसी भी वक्त। इस वक्त अगर मुल्क के हालात, अगर हमारे शहर कराची के हालात खराब है, लेकिन उसका हालात तो हर जगह खराब होते हैं, लेकिन अगर खराब है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात अगर ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला हालात अच्छे हो जाएंगे, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला कराची के हालात स्पेशली सही हो जाएं, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि आपकी जो टेंशन है उसको रिलीज़ करें, उसको दूर करें, और यहाँ पर ये एग्जीबिशन के जरिए हमारी ये ज़रूरत है कि हम एग्जीबिशन के जरिए हम आपको एंटरटेन करना चाहें। आंटी, ये मुझे बताएं इन हालात में भी ये मेट्रो वन ने स्टॉल लगाया हुआ है, एग्जीबिशन यहाँ पर जारी हो सारी है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एक्सपो सेंटर, क्योंकि और मेट्रो वन का शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में और कराची में बहुत आजकल हालात ख़राब हैं, एक तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं और ऊपर से हालात ख़राब हैं, कोई ना कोई गाड़ियाँ जला देता है, नाम कुछ हो जाता है कि उसने फलाने उसने जला दी, ये पता नहीं कौन हमारे, दुआ करें अल्लाह ताला हालात सही, आमीन सुमामीन, और पता नहीं कौन हमारे शहर के पीछे पड़े, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे शहर को बहुत अच्छा रहे और पाकिस्तान को सलामत रखे, और नजरें बस से बचा, और ऐसी नुमाइशें होती रहें। थैंक यू मेट्रो वन, थैंक यू जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी लाइव, मेरी अम्मी देख रही हैं, उन्हें बोले मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम ठीक हैं, वो परेशान हो रही है, उनका मैसेज आया कि हम लोग मेट्रो वन देख रहे हैं और उस पर आप आके हमें बताएं कि आप ठीक हैं कि नहीं, तो अम्मी मैं ठीक हूँ, आ रही हूँ घर। अच्छा, मेट्रो वन के जरिए आप लाइव मैसेज दे रहे हैं, व्यूअर्स लोग जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर एक्सपो सेंटर में मौजूद है और जो इस वक्त मेट्रो वन देख रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि उनके घर वाले सेव हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जीबिशन में लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, अगर बाल हालात खराब है तो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग सेव हैं और इंशाल्लाह ताला बाहिफाजत अपने घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आप एग्जीबिशन के बारे में क्या, कैसी एग्जीबिशन है, सस्ती है, महंगी है, क्या है? बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए, और हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज की उसके बारे में अवेयरनेस होती है, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसे कुछ एग्जीबिशन होती हैं। कैसी एग्जीबिशन है? बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, प्राइस जो मार्केट रेट से कम होते हैं यहाँ पे, जो मतलब जो महंगाई है आजकल चल रही है हम लोगों की, तो उससे ये थोड़ी सी कम रेट्स पे मिल जाती है, और एक जगह पे मुकम्मल वैरायटीज हमें एक ही स्टॉल पे या सब जगह एक ही उसमें मिल सकती है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फैमिलीज के साथ लोग आए हैं ज़्यादातर, और आपको तो पता है एक्सपो सेंटर में ज़्यादातर जो एग्जीबिशन लगती है वहाँ फैमिलीज अलाउ होती हैं, और जितने भी फैमिलीज हैं जो इस वक्त मेट्रो वन देख रही हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ छोड़ें, खाना वाना खा लिया तो फारिग होकर फटाफट जो है हॉल नंबर 5 में यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप जो है यहाँ से लाइव यहाँ से जाएं और आप देख सकें कि यहाँ पर किस तरह लोग एंजॉय करें, किस तरह मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं बैक साइड में मेरे रश है, हॉल नंबर 5 में बहुत रश है, और हॉल नंबर जितने भी हॉल्स हैं यहाँ पर
उन सब में बहुत बेशुमार लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ। और हम पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह। जी, आपने कुछ खरीदा है एग्जीबिशन में?